दो साल में दूसरी बार है मौका भारत के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने का। सामने है ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। ये है हमारी प्रस्तुति डीडी स्पोर्ट्स के लिए, खास आपके लिए रोड टू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। मैं हूं चेतन नरूला, हमारे साथ दो खास मेहमान, बातें करेंगे इस फाइनल क्लैश की ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया, जो इस हफ्ते खेला जाएगा ओवल मैदान पर। तो चलिए मिलते हैं हमारी शख्सियत से और बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। सबसे पहले रीमा मल्होत्रा, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर एंड कमेंटेटर, स्वागत है रीमा एक बार फिर से आपका। थैंक यू सो मच चेतन। और साथ ही साथ सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट और हमारे चहेते पदमजीत सहरावत, कैसे हैं पदम? चेतन आपके मुंह में घी, शक्कर and the dinner is on me. Dinner is on you and of course, hopefully the टेस्ट चैंपियनशिप इज ऑन द इंडियन टीम। तो यही बात करेंगे, एब्सोल्युटली यही बात करेंगे। तो चलिए, हमने बहुत सारी बातें की थी कल कि कैसे दोनों टीमें मैचअप करती हैं, हेड टू हेड क्या है, ओवल पे क्या हुआ है, खिलाड़ियों ने क्या किया है। आज के शो में हम बात करेंगे खिलाड़ियों की, टीम्स की, प्लेइंग इलेवेंस की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की पॉइंट्स टेबल पर, कैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत इस फाइनल मुकाबले में पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया 19 मैचों में 11 जीते और परसेंटेज पॉइंट्स 66.67, इंडिया के 18 मैचेस में 10 जीते और परसेंटेज पॉइंट्स 58.8। रीमा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये ऐसी टीमें हैं जिनके पास मौका था। इंग्लैंड का एक नया ब्रांड ऑफ टेस्ट क्रिकेट आ रहा है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए फाइनल में। इन दो टीमों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं। बिल्कुल कामयाबी भी है क्योंकि कंसिस्टेंसी साथ में लेके आए थे, डिसिप्लिन लेके आए थे। और जब आपके ज़्यादातर खिलाड़ी फॉर्म में होते हैं, आप किसी एक या दो खिलाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं होते या बड़े नामों पर डिपेंडेंट नहीं होते, तभी आप कोई ट्रॉफी जीतने के करीब होते हैं। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, मेरे शुरू से मानना है, मैंने कल भी यही बोला था कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप एक आधा मैच जिता सकते हैं या जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रॉफी के करीब पहुँचना है और ट्रॉफी जीतनी है तो टीम को क्लिक होना पड़ेगा। और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बाकी टीम से बेटर नजर आएगी। पदम, कितनी बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए दो लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बहुत लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट जिंदा है तो भारतीय टीम की वजह से जिंदा है। देखिए, इसका एक और पहलू जो अंडरलाइन हो जाता, हाईलाइट हो जाता, वो ये हो जाता कि जो T20 क्रिकेट का आगमन हुआ था तो हम सब ये सोचा करते थे कि क्या कवर ड्राइव देखने को मिलेगा, क्या स्पिनर्स की यहाँ पर जान बचेगी, क्या वो सर्वाइव करेंगे। आज कवर ड्राइव देखने को मिलता है, आज पंच लगता है T20 क्रिकेट में भी। और जो T20 क्रिकेट ने सौगात दी है टेस्ट क्रिकेट को, वो ये है कि सबसे ज्यादा नतीजे आने लगे टेस्ट क्रिकेट में T20 क्रिकेट के आने के बाद। जी बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज द टेस्ट ऑफ द बेस्ट। हर एक T20 खिलाड़ी, पिछले एपिसोड में भी रीमा ने इस बात पर तवज्जो दी थी और बिल्कुल बढ़िया बात थी कि हर खिलाड़ी के लिए सबसे बढ़िया अचीवमेंट होती है कि मैंने टेस्ट क्रिकेटर की कैप पहनी है इंडिया के लिए, नहीं शतक है कि नहीं, 5 विकेट हॉल टेस्ट क्रिकेट में है कि नहीं। और भारत, आप निरंतरता की बात कर रहे थे अपने लिंक में, निरंतरता, अनुशासन, धैर्य, सब्र, ये टेस्ट क्रिकेट चारों चीजों का इम्तिहान लेता है और इसलिए भारत सबसे बढ़िया टीम्स में उसका शुमार है। रीमा, यहाँ पे एक बात और भी चल रही है कि क्या ये फाइनल सिर्फ एक मुकाबले का होना चाहिए या इट शुड बी अ बेस्ट ऑफ 3 सीरीज और अ बेस्ट ऑफ 2 सीरीज। एक मुकाबला, आप 2 साल से खेल रहे हो चैंपियनशिप और आप एक मुकाबले से आप डिसाइड कर लोगे कि कौन विजेता होने वाला है, इज दैट फेयर इन टेस्ट क्रिकेट? एब्सोल्युटली, क्योंकि मुझे लगता है जैसे स्कूल की तरह जब आप तैयारी करते हैं, एग्जाम आपको एक ही बार देने को मिलता है, क्योंकि अगर आप फाइनल्स को भी 2 या 3 मैच की सीरीज कर देंगे तो कहीं ना कहीं मजा किरकिरा कर देंगे। एक दिन, एक शॉट, एक टेक आपको मिलेगा, एक फाइनल मिलेगा। अगर आप जीत सकते हैं, आप 2 साल अच्छा खेलें, उसके लिए आपको फाइनल में जगह दे दी, आप उस दिन अच्छा खेलेंगे तो आपको ट्रॉफी दे दी जाए। पदम, मैं ऐड करूंगा इसमें, देखिए टेस्ट मैच एक है, पारी 2 है जी, आपके पास 2 मौके मिलते हैं जी। और इसलिए जितने ज्यादा मौके आपको वापसी के टेस्ट क्रिकेट में मिलते हैं, आपको वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में ही मिलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने पहला सेशन खो ही दिया, आप इनिशिएटिव खो देते हैं, मगर इसका मतलब यह है कि आपका फेस गंदा था, हो सकता है कि आपका दिन गंदा हो, मगर आपके पास, अगर आपके पास हुनर है, काबिलियत है, आप VVS लक्ष्मण की और वो पार्टनरशिप राहुल द्रविड़ की उठाकर देख लीजिए। हम तो नीचे लगे हुए थे, वहां पर सिर्फ 2 ही रिजल्ट की बात हो रही थी, ठीक है, या तो ऑस्ट्रेलिया जीतती, ड्रॉ भी कोई नहीं सोच रहा था। भारत ने ड्रॉ तो छोड़ी है, वो मुकाबला जीता जी। तो मतलब ये आपको सी वो दिखाता है, टेस्ट क्रिकेट सिखाता है कि एवरी सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ कमबैक। कमबैक, और क्या कमबैक का उन्होंने नाम लिया है, VVS लक्ष्मण राहुल द्रविड़। ऐसा मुकाबला अगर हमें देखने को मिल गया ना फाइनल में तो क्या बात होगी। तो चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में, कैसी टीमें होंगी, कौन फील्ड पे उतरेगा, कौन से खिलाड़ी होंगे, यही चर्चा रहेगी हमारे आज के इस एपिसोड में। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है
एंड हु बेटर देन रिकी पोंटिंग टू सजेस्ट कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, तो उस पर एक नजर डालते हैं कि दिस इज वॉट रिकी पोंटिंग थिंक्स शुड बी द ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 फॉर द WTC फाइनल. पैट कमिंस एज कैप्टन ऑब्वियसली, डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, मानस लाभुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए इतना जबरदस्त IPL खेला है, एलेक्स कैरी जो जबरदस्त अग्रेसिव विकेट कीपर है, देन मिचेल स्टार्क, नेथन लायन एंड जॉश हेजलवुड. लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हेजलवुड फिट नहीं है तो स्कॉट बोलन को खेलना चाहिए. रीमा, क्या सोचती हैं आप इस प्लेइंग 11 के बारे में? इज दिस अ चैंपियन टीम इन मेकिंग? एब्सोल्युटली, क्योंकि हेजलवुड अब रूल्ड आउट कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप बॉलन की तरफ ही नजर डालेंगे क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उनके पास गति है और आप टैलेंट को हमेशा बैक करते हैं. हालांकि इनकी बेंच स्ट्रेंथ में भी वो दम कम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़्यादा मौके देना चाहते हैं और आप फॉर्म के साथ खेलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ, मैं भी इसी प्लेइंग 11 के साथ जाऊँगी. पदम, क्या सोचते हैं आप इस प्लेइंग 11 के बारे में? स्कॉट बोलन अहेड ऑफ हेजलवुड? हेजलवुड अनफिट होंगे तब इनका बाकियों का नंबर आ गया. हेजलवुड अनफिट है तो वो शुमार अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है इस सीरीज में, वो अवेलेबल नहीं है. लेटेस्ट हम अपने दर्शकों को ये बता दें. तो अब मेरे लिए टॉसअप था कि आप नेसर को लेंगे या बोलन को लेंगे, लेकिन देखिए टीम चुनी किसने. जी, टीम चुनी है ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक ने, वो खिलाड़ी जिसने विश्व क्रिकेट में जिसका शुमार दिग्गजों में किया जाता है, वो खिलाड़ी जिन्होंने थोड़े दिनों पहले विराट कोहली से फोन पे बातचीत करी तो विराट कोहली ने उनको बताया कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जो आज तक मैं जब भी फील किया नहीं. तो उनका कहना है रिकी पोंटिंग का कि विराट कोहली लाइफ की सबसे बढ़िया फॉर्म में और सबसे बढ़िया माइंडसेट में यहाँ पर आ रहे हैं, ये उनकी फोन की बातचीत हुई थी. और एक उनका इंटरव्यू रिसेंटली छपा था और इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने कोई सलाह मशवरा दिया है ऑस्ट्रेलियन टीम को, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे से सलाह मशवरा मांगा ही नहीं तो मैं दूं क्यों. तो मगर यहाँ उन्होंने अपनी टीम ऐलान किया, तो मेरे हिसाब से टीम ठीक है. मैं कहीं ना कहीं टिल्टेड था नेसर के लिए क्योंकि पिछले एपिसोड में भी हम इस बात की बात कर रहे थे कि वो काउंटी क्रिकेट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं गेंद से भी और बल्ले से भी, पर जब आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हों, जब नेसर की जगह ही नहीं बन रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी काबिल टीम है. रीमा, यहाँ पर एक और भी बात चल रही है कि क्या डेविड वॉर्नर को ओपन करना चाहिए या ट्रेविस हेड को ओपन करना चाहिए. भारत की जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें वॉर्नर इंजर्ड हो गए थे, तब ट्रेविस हेड ने ओपनिंग किया था और अच्छी ओपनिंग की थी उस्मान ख्वाजा के साथ. आपका क्या मानना है कि डेविड वॉर्नर जिस काइंड ऑफ फॉर्म में है, जिस काइंड ऑफ माइंड सेट में है, वो रिटायरमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वार्नर को ओपनिंग करनी चाहिए? देखिए, इतने समय तक डेविड वार्नर एज एन ओपनर खेले हैं, वो एक रेगुलर ओपनर है, एज अ रिप्लेसमेंट जरूर हेड आए थे, लेकिन आपका प्रमुख ओपनर कौन है? डेविड वार्नर. तो आप एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, एक रेगुलर ओपनर के साथ जाएंगे और इतना सीनियर वो खिलाड़ी है और उन्होंने बहुत मैच विनिंग नॉक्स खेले हैं अपनी टीम के लिए, कैप्टन रह चुके हैं, तो मैं तो डेविड वार्नर के साथ जाऊँगी क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी मिलता है और वो खिलाड़ी है जो प्रेशर ऑब्जर्व करना जानते हैं, जिसके पास स्किल्स बेटर है. ठीक है, वो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का चक्कर पड़ता है, लेकिन वाइड बॉल में यहाँ पे कोई चक्कर है नहीं, आप अपना टाइम लीजिए एक्सपीरियंस के लिए. पदम, ऑस्ट्रेलिया एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ उतरती है, जब जहाँ तक हम उनकी गेंदबाजी की बात करें, 3 pacer 1 spinner, यहाँ पे भी लग नहीं रहा है कि कुछ चेंज होने वाला है. नेथन लायन जो है उन्होंने बहुत सारी विकटें भी ली हैं इस WTC 2023 साइकिल में, तो यहाँ पे 3 pacer और 1 spinner, तो इसमें कैमरन ग्रीन की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जी हाँ, अगर आप इनके बैटिंग ऑर्डर को देखेंगे तो आप बात कर रहे थे डेविड वॉर्नर की, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक का कि वो ओपन करना ही बनता है क्योंकि आप आधे डेविड वॉर्नर को निकाल देते हैं अगर आप उनको 5 या 6 पे खिलाते हैं, क्योंकि आप खिलाड़ी की पसंदीदा एक जगह होती है. मैं हमेशा मानता हूँ ओपनर और टीम में ज़्यादा फर्क नहीं होता, पहली गेंद पर भी तो विकेट गिरता तभी तो आप ओपन करने जाते हो, मगर ओपनर में और नंबर 6 में बहुत फर्क है, माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ जाता है. आप सीधे आप जाते स्पिनर को खेलने लग जाते हैं पहली, हालांकि अगर डेविड वॉर्नर पहले नई गेंद खेलेंगे फिर स्पिनर को खेलेंगे तो डबली डेंजरस हो जाते हैं. तो मैं इनका प्लेइंग 11 बता दूं आपको, तो डेविड वॉर्नर, ख्वाजा जी, 3 स्मिथ, 4 लभुशेन, 5 हेड, 6 ग्रीन, 7 कैरी, ठीक है, एक स्पिनर आ गए और 3 आपके फास्ट बॉलर हो गए, तो ये इनका होने वाला. बैटिंग डीप है, पैट कमिंस का बहुत डीप है, बहुत डेप्थ है, नेथन लायन भी बैटिंग करते हैं, मेरे को लगता है सारे 11 के 11 बैट अच्छे मतलब यूजफुल अपनी पारियां दे सकते हैं. जी, तो यहां पर बहुत मतलब डीप बैटिंग है, इनका एक सेट फॉर्मूला है, 5 गेंदबाज भी हो गए और ट्रेविस हेड, उनको भी हम नहीं भूलेंगे, ट्रेविस हेड भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत स्पिन कर लेते हैं, तो आपके पास 2 स्पिन एंगल आ गए, लाभुशेन कर लेते हैं, स्मिथ कर लेते हैं, शायद वो नौबत नहीं आएगी ओवल पर. मुझे लगता है कि अगर आप कहीं रेड सॉइल पे खेल रहे होते ऐसे विकेट जो स्क्वायर 10 होती है वहां पे आप पार्ट टाइमर्स को लेके आते हैं, लेकिन ओवल पे आई डाउट. नहीं, अगर ट्रेविस हेड गेंदबाजी करने आ रहे तो समझ लो भारत जीत रही है. मतलब ओवल के मैदान पे अगर ट्रेविस हेड जो है गेंदबाजी करने आएंगे
तो भारत जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत गया है, ये मानना है पदम का। और रीमा भी एग्री कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं ना, तो हमने एक छोटी सी गेम खेली हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, उसका नाम है सुपर सेलेक्टर, क्योंकि सब सेलेक्टर बनना चाहते हैं इंडिया में। तो हमने बोला कि वहां तो 11 रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ सेलेक्ट कर लेंगे, सबने सेलेक्ट कर ली है अपनी अपनी टीमें, रिकी पोंटिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे मेहमानों को भी उनकी टीमें सेलेक्ट करनी चाहिए। तो रीमा और पदम ने अपनी अपनी इंडियन 11 सेलेक्ट की है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए, तो उस पर नजर डालते हैं। पहले रीमा की टीम लेंगे कि उन्होंने क्या इंडियन 11 बनाई है, और उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये है इंडिया की प्लेइंग 11 एज पर रीमा मल्होत्रा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, यहां तक सब ठीक है। विकेट कीपर देखिए, ईशान किशन आए हैं, दोनों स्पिनर हैं अश्विन और जडेजा, दोनों हैं, और साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। ये है रीमा की प्लेइंग 11। रीमा, सबसे पहले तो आप बताइए, ईशान किशन विकेट कीपर और आप अश्विन जडेजा दोनों को खिला रही हैं, थोड़ा रहस्य समझाइए, शार्दुल ठाकुर भी हैं आपकी टीम में, थोड़ा रहस्य समझाइए अपनी टीम का। देखिए, सबसे पहले तो ईशान किशन का बताती हूँ, क्योंकि के एस भरत ने जरूर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब होम सीरीज हुई थी तब खेला था मैच, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऋषभ पंत होते तो आप ऋषभ पंत को खिलाते। बिल्कुल, तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में के एस भरत थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, वहाँ पे ईशान किशन बाजी मार जाते हैं, क्योंकि आपको तेजी से रन चाहिए। और हम सब जानते हैं, अगर टेस्ट क्रिकेट में सहवाग की तरह कोई 100, 200 या 300 मार सकता है तो वो ऋषभ पंत, और अब ईशान किशन है इन द एब्सेंस ऑफ ऋषभ पंत। तो मैं उनके साथ जाना चाहूँगी, उनकी फॉर्म भी अच्छी है जो आईपीएल से आई है, चाहे राइट बॉल में आई है लेकिन फॉर्म मैटर करती है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, शार्दुल ठाकुर, मुझे लगता है कि ओवर में पहले 3 दिन पेसर्स का बोल बाला रहता है, तो आपको एक ऑलराउंडर चाहिए था, तो प्योर बॉलर के रूप में आपके पास दो बॉलर आ गए, शमी और सिराज, ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे मीडियम पेस के शार्दुल ठाकुर, और दो स्पिन गेंदबाज के साथ गई हूँ, क्योंकि वो वैरायटी ऐड करते हैं, एक्सपीरियंस ऐड करते हैं और साथ में बैटिंग भी करते हैं, तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाएंगे, आपके पास बैटिंग डेप्थ बढ़ जाएगी। बैटिंग डेप्थ बढ़ जाएगी, और रीमा ने ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 पर भी कहा था कि ये बहुत डीप बैटिंग करते हैं, तो इनकी प्लेइंग 11 के हिसाब से इंडिया की बैटिंग नंबर 9 तक पहुंच जाएगी। अब पदम की बारी है, शमी भी रन बनाते हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे पदम की प्लेइंग 11 के बारे में, देखते हैं कि पदम ने क्या रीमा से डिफरेंट किया है अपनी प्लेइंग 11 पर। चेंजेस बता दूं आपको मैंने क्या किया था, मुझे जी हाँ, चेंजेस, मैं ईशान किशन नहीं है, वो ईशान किशन नहीं है, के एस भरत है, और दूसरे जो है मैंने उमेश यादव को प्रेफरेंस दिया। दो चेंजेस है रीमा और मेरी टीम में, और मैं उसका उसकी व्याख्या और उसके कारण जरूर देना जी एक बार पढ़ देता हूँ। टीम यहाँ पे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, के एस भरत को विकेट कीपर बनाया है ईशान किशन की जगह पे, अश्विन जडेजा दोनों हैं, अश्विन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, पदम बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जडेजा भी हैं, उमेश यादव इंस्टेड ऑफ शार्दुल ठाकुर, शमी एंड सिराज। पदम, अब आप एक्सप्लेन कीजिए आप अपनी। जी हाँ, सबसे पहले विकेट कीपर, देखिए मैं दो जूनियर इंडिया कैंप मैंने अटेंड किया, अंडर 17 और अंडर 15, और मैं दोनों के तारापुर सर और सैयद किरमानी सर के अंदर, तब मैं विकेट कीपर था। तो हम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से आते थे, और हमें सिखाया जाता था कि रन्स आप बाद में बनाएंगे, पहले आपका काम है विकेट कीपर करना, विकेट कीपिंग करना। एक जमाना हुआ करता था जब विकेट कीपर बल्लेबाजी करता था तो एडिड एडवांटेज माना जाता था, आजकल चूंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट आ गया, नेसेसिटी और डिमांड है खेल की कि आपका बल्लेबाज अच्छा होना भी चाहिए, विकेट कीपर अगर बल्लेबाज नहीं है तो बल्लेबाजों को विकेट कीपर बना दिया जाता है। ये ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में समझ सकता हूँ, मेरी समझ में ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं आता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप रविचंद्रन अश्विन को और जडेजा को बिठाइए और दोनों में से पूछिए कि आप केएस भरत को खिलाना चाहेंगे या ईशान किशन को खिलाना चाहेंगे, मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा, बल्लेबाज निश्चित तौर पर ईशान किशन, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि सिंगल हैंडेडली गेम का रुख बदल सकते हैं बल्ले से। मेरा ये मानना है कि अगर दो कैच आपके छूट गए, अब वो भरत भी छोड़ सकते हैं, क्रिकेट है, हो सकती है, लेकिन दोनों में से बेटर विकेट कीपर कौन है, किस पर स्पिनर्स को ज्यादा ट्रस्ट होगा, क्योंकि असली विकेट कीपर का इम्तिहान फास्ट बोलर्स पे नहीं होगा, असली में होगा स्पिनर पे। तो वहां मैंने इसलिए भरत को अपनी टीम में रखा है कि मैं कम से कम बोलर्स को वो कुशन देना चाहूंगा और वो कॉन्फिडेंस देना चाहूंगा कि एक प्रॉपर विकेट कीपर, ईशान किशन मेक शिफ्ट विकेट कीपर, कभी प्रॉपर विकेट कीपर नहीं रहते जूनियर क्रिकेट में, वो नहीं किया करते, वो मेक शिफ्ट विकेट कीपर है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, मेरा दूसरा कारण है उमेश यादव, वहां भी मैं बिल्कुल टिल्ट कर रहा था, मैं सोच रहा था शार्दुल उमेश, फिर मेरे दिमाग में आया कि एक नई गेंद है उमेश की जो अंदर आती है और बिल्कुल तैर के अंदर आती है, वो मतलब लेट स्विंग जिसे कहते हैं वो, और खास तौर पे उन्होंने उस पर मेहनत किया, तो इंग्लैंड देखते हुए और वो टेल इन करते हुए गेंद अंदर देखते हुए मैं टिल्टेड था उमेश की तरफ, इसलिए मेरे वो चेंजेस। उमेश यादव का रेड बॉल के साथ परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है ऑफ लेट, मतलब ज्यादातर एसजी बॉल के साथ खेले हैं,
तो एस जी बॉल के साथ रिवर्स भी अच्छा कराते हैं, नई गेंद पे भी ज्यादा कंट्रोल दिखाते हैं. इज दिस अ गुड सिलेक्शन इन योर थॉट रीमा? वेल यस, ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे आप कुको बरा बॉल से खेलेंगे तो और इंग्लैंड में खेलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ड्यूक से खेल रहे हैं. ड्यूक से खेल रहे हैं ड्यूक से भी खेल रहे हैं, तभी भी वो भी स्विंग करता है, थोड़ा देर तक स्विंग करता है, थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहता है वो. लेकिन अगर मैं वेरिएशन की बात करूँ, वेराइटी की बात करूँ, तो आपके पास पेस और स्विंग जो स्लाइटली लेके आते हैं वो है आपके सिराज, मोहम्मद सिराज. पेस और स्विंग जो लेके आते हैं वो है मोहम्मद शमी. और जो स्विंग लेके आते हैं अंदर और बाहर जो स्विंग करवाते हैं वो है शार्दुल ठाकुर. और शार्दुल ठाकुर के पास उतनी गति नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको वो वैरायटी चाहिए बोलिंग में. ऐसी मेरी सोच है, अगर अब मैं अपनी सोच कर, अगर मैं कैप्टन होंगी या मेरे हाथ में होगा तो मैंने इसलिए वो प्लेइंग 11 दी क्योंकि और बीच में आपको धीरे वाली बॉल भी चाहिए, स्लो वन चाहिए, जो पुरानी बॉल से भी गेंदबाजी करने आनी चाहिए, वो कला मुझे लगता है कि बेटर है शार्दुल ठाकुर के पास. और अगर भगवान ना करे इंडिया फंसती है, बैटिंग लाइन में फंसती है, तो थोड़ी सी उसको और डीप करने के लिए आपके पास शार्दुल ठाकुर है. तो कहीं ना कहीं मेरी सोच वहां पे जा रही है. थोड़ी इन्फ्लुएंस्ड है 2021-22 की परफॉर्मेंस से भी शायद. शार्दुल ठाकुर ने रन किए, उन्होंने विकेट लिया, मुझे लगता है वो उसको लॉर्ड क्यों कहते हैं, गोल्डन आर्म है उनके पास लॉर्ड शार्दुल ठाकुर. यहाँ पर ये सवाल जरूर करूंगा क्योंकि बहुत लोग बात कर रहे हैं कि ऋषभ पंत की एब्सेंस है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ऋषभ पंत की एब्सेंस में एक इम्पैक्ट प्लेयर जरूर चाहिए. आपने केएस भरत को कीपर बैट्समैन बनाया है, if we talk about ishan kishan he could give you that impact, to kya aap compromise karenge halka sa keeping mein lekin aapko ek impact batsman mil raha hai. Main wicket keeping pe test cricket mein zindagi mein na compromise karu ji. Main us school of thought se aata hu ke mera wicket keeper main maan ke chalunga mujhe zero run dega, lekin mera wicket keeper purist hoga test cricket mein. Main t20 cricket mein, ipl mein, odi cricket mein bhi main compromise kar lunga. Rahul Dravid ne keeping ki hui hai, ये सब मेकशिफ्ट विकेट कीपर, केएल राहुल ये सब मेकशिफ्ट विकेट कीपर है, ये कभी विकेट कीपर थे नहीं, ये बनाए गए विकेट कीपर्स हैं कि भाई चलो और विकेट की दूसरा विकेट कीपर रन बनाए ना बनाए ये तो बैट्समैन है, तुम विकेट कीपिंग कर लो. इसलिए बैट्समैन ने ग्लव्स पकड़ने शुरू कर दिए हैं कि चलो अब करो. ये प्योरिस्ट नहीं है, प्योरिस्ट केएस भरत है. प्योरिस्ट मेरे हिसाब से सही मायने में अगर आपको बताऊं, यहाँ पर एक खिलाड़ी जो होना चाहिए था वो रिद्धिमान साह होना चाहिए. रिद्धिमान साह तो ये नहीं होना चाहिए था, रिद्धिमान साह होना चाहिए था. ये सबसे बड़ी गलती करी है रिद्धिमान साह आज भी. और मैं मानता हूँ उम्र छोड़ दो, 38-39 साल के, मैं कह रहा हूँ 45 साल के भी होंगे तब भी वो बढ़िया, बहुत बढ़िया. उनके ग्लव्स में जब गेंद जाती है ना आवाज़ नहीं आती. और सैयद किरमानी साहब हमें बताते थे कि जब आप गेंद ऐसे पकड़ो ठीक है तो उसमें आवाज़ ना आए, और जब आप मूव करो विकेट कीपर, अच्छा विकेट कीपर डाइव तब लगाता है जब उसके पास और कोई विकल्प ना हो इधर उधर, वरना विकेट कीपर गिरते रहते हैं. पेंडुलम की तरह मूव करता है ये. और श्रीकर भरत मेरे हिसाब से भारत का नंबर दो विशेषज्ञ विकेट कीपर. लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर करनी होगी क्योंकि राहुल द्रविड़ ने वृद्धिमान साहब को कह दिया कि नहीं भाई आपका करियर हो गया है, हम अब केएस भरत में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये इन्वेस्टमेंट दिख रही है रीमा कि केएस भरत उस टीम में है. आप कह रही हैं कि साहा को होना चाहिए था, पदम भी इस बात को मान रहे हैं, तो दैट वुड बी गोइंग बैक ऑन राहुल द्रविड्स वर्ड्स. तो वो वापस नहीं जा सकते हैं चाहे उनका फॉर्म आईपीएल में कैसा रहा. एग्जैक्टली ऐसा इसलिए मैं कहा, ऐसा मेरा मानना है और इनका मानना है कि विद्यमान साहा होने चाहिए करंट फॉर्म को देखते हुए, करंट फिटनेस को देखते हुए. लेकिन फिर वो है कि आप एक सोच बना चुके हैं, एक रास्ता बना चुके हैं, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, विच इज एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि आपने एक सोच बनाई है, जिस तरह से इंग्लैंड एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है उस प्रोसेस में कई बार वो फेल भी होता है, लेकिन वो सोच नहीं बदलते. तो कहीं ना कहीं ये सही डिसीजन है. बट एट द सेम टाइम मेरा मानना है कि केएस भरत से बेटर विकेट कीपर हैं ईशान किशन. ये मेरी सोच है, हमारी सोच भी है और बाकी लोगों की सोच भी है. तो देखते हैं बाकी लोगों का क्या कहना. ये कहा है रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय प्लेइंग 11 के बारे में क्या हो सकता है. देखिए उनका कीपर कौन हो सकता है, ईशान किशन या केएस भरत कौन होगा. उन्होंने ये कहा है ईशान किशन शुड प्ले फॉर सम एक्स्ट्रा फैक्टर, देयर इज नो ब्लॉट ऑन भरत व्हाटसोएवर, बट आई थिंक किशन जस्ट प्रोवाइड्स दैट लिटिल बिट एक्स फैक्टर, हु वुड डू अ गुड जॉब विद द ग्लव्स एंड कैन प्रोवाइड दैट थिंग विद द बैट एज वेल. पदम पॉन्टिंग साहब ने तो ये भी कहा है कि आप स्काई को भी खिलाओ, सूर्य कुमार यादव को भी खिलाओ. मैं विश्वास का क्या कह रहे हैं, मैं रखता मैं स्काई को मेरे बस में चले, मैं वो रिजर्व्स में है. हाँ रिजर्व्स में है, मैं डाल दूं उनको. लेकिन देखिए जरूरी नहीं है आपकी हर बात पर सहमति, और जरूरी भी नहीं है. एक घर में आप रहते हैं, आप अलग अलग मत हो सकते हैं. तो मेरा रिकी पॉन्टिंग साहब से मैं बिल्कुल सहमत नहीं, जैसे मैं रीमा तो मेरी बहन की तरह है, मैं रीमा से ही सहमत नहीं. तो वो तो मेरा मानना है क्रिकेट में ना मेरे हिसाब से कुछ गलत और सही नहीं होता, अपनी सोच है. और देखिए अच्छी बात है कि आपके पास इतने विकल्प मौजूद हैं, विकल्प मौजूद हैं. और यहाँ पे एक विकल्प और भी है, देखते हैं रवि शास्त्री जो फॉर्मर इंडिया कोच हैं और अब कमेंटेटर भी हैं, तो देखते हैं उनका क्या कहना है इंडियन प्लेइंग 11 के बारे में. ही सेज ऑन दिस डिबेट केएस भारत वर्सेस ईशान किशन, इफ टू स्पिनर्स आर प्लेइंग मे बी केएस भारत, बट इफ देयर आर फोर सीमर्स एंड वन स्पिनर प्लेइंग
इट विल गो द अदर वे, इट माइट गो ईशान किशन्स वे। देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले एक बात कह रहा था कि दोनों स्पिनर को बिठा लो, उनसे पूछ लो और उनसे पूछो मैं गारंटी आपको कहता हूं, मैं गारंटी आपको कहता हूं वो कहेंगे केएस भरत, क्योंकि हर स्पिनर चाहेगा एक प्योरिस्ट पीछे खड़ा हो कि भैया कीपर अच्छा होना चाहिए। मैंने विकेट, मैंने बॉलर्स को ऐसे माथे में हाथ मारते हुए देखा है कि पकड़ लो यार, पकड़ लो। अब वो बॉलर के बेचारे का कॉन्फिडेंस आधा हो जाता है अगर वो, तो मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम ईशान। नहीं मैं तो विकेट कीपर और बैट्समैन था, मैं तो रीमा आपने बॉलर की सोच सोच रहे हो आपने ईशान किशन का सिलेक्शन किया, आपने दो स्पिनर चूज किए, लेकिन अगर आप कंडीशंस के हिसाब से दो स्पिनर नहीं खिलाएंगी तो क्या आप वापस केएस भरत के साथ जाएंगी या नहीं? नहीं, मैं ईशान किशन के साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरी सोच वो है कि इम्पैक्ट प्लेयर और एक्स फैक्टर, और जिस पोजीशन में वो खेल रहे हैं, क्योंकि आप ऋषभ पंत को खिलाते थे और उन्होंने कई बार भारत को बचाया है, इंग्लैंड में भी 100 मारा है, उस पोजीशन पे आके अटैकिंग क्रिकेट खेलना, एक अटैकिंग सोच लेके आना, अगर शुरुआत में वीरेंद्र सहवाग कर सकते थे ओपनिंग में तो मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत के बाद वो कर सकते हैं ईशान किशन, तो मैं थोड़ा एक्सपेक्टर के साथ जाना चाहूंगा। देखिए ऋषभ पंत होते तो ये टॉपिक ही नहीं हो रहा होता, ये डिस्कशन हो ही नहीं रहा था, विकेट कीपर कौन खेलेगा, ये तो बट ऑब्वियस चॉइस है, क्योंकि उस खिलाड़ी ने जो किया अनबिलीवेबल वो काम करते थे, इसलिए सही मायने में अगर एक्स फैक्टर पिछले 4-5 साल में इंडियन क्रिकेट में कोई था, या मैं चाहूंगा कि वो जल्दी से फिट हो जाए और फिट होकर वापस आए, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि वो क्रिकेट खेले या ना खेले वो हमारे साथ जिंदगी में मौजूद है, ये सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है। ऋषभ पंत एक समय हमें ऐसा लग रहा था कि उस एक्सीडेंट के बाद हम घबरा गए थे, बिल्कुल, वो उन्होंने जो किया भारतीय क्रिकेट के लिए वो अपने आप में एक बूंद है, और आप हमारे साथ जीवित हैं ये बूंद है, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वो इंसिडेंट को सर्वाइव किया है, एंड ही इज ऑन हिज वे टू रिकवरी, वी विश हिम वेरी वेल, एंड ऋषभ पंत, रीमा मिसेस यू, पदम मिसेस यू, आई मिस यू ऑन द क्रिकेट फील्ड, ऑल द फैंस मिस यू। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका डीडी स्पोर्ट्स पर, मैं हूं चेतन नरूला। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाले WTC फाइनल के बारे में। मेरे साथ हैं दो खास शख्स, रीमा मल्होत्रा और पदमजीत सहरावत। और ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे भारत की प्लेइंग 11 के बारे में, और बहुत सारी थॉट्स हैं, बहुत सारी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी बातें की हमने कीपर बैट्समैन के बारे में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पहलू सामने आया कि आपकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए। तो यहां पर दोनों जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि आपको दो स्पिनर खिलाने हैं, पेसर्स की कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा डिफर किया, यहां पे एक नजर डालेंगे कि ओवल पे क्या रहता है पेसर्स और स्पिनर्स का, उन्होंने पिछले 10-10 मुकाबलों में क्या किया है, किसका दबदबा ज्यादा रहता है, कौन ज्यादा विकेट लेता है, किसका ज्यादा दबदबा रहता है। तो ये है वो ग्राफिक आप देख रहे हैं, 10 मैच में 252 विकेट है और 10 मैच में 68 विकेट है, तो ऑब्वियसली पेसर्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ओवल की सरजमीन पर। और इसी के साथ हम एक बोलिंग टॉसअप भी करेंगे, जहां पर हमारे जो चार गेंदबाज हैं जिनका नाम यहां पर डिस्कशन में आने वाला है, उमेश और शार्दुल आपने डिस्कस किया, आपने दो स्पिनर्स के साथ डिस्कस किया, पदम आपने मुझे कल के शो में बताया था कि जो वेदर फोरकास्ट है ना वो 2 दिन का बारिश का है, आप अभी भी क्या जडेजा को खिलाना चाहेंगे, अश्विन को भी खिलाना चाहेंगे, या 2021 की तरह सेम रहेगा, या 2021 की सीरीज की तरह एक स्पिनर रहेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जब टीम बनाने बैठूं तो मैं पहले तो कप्तान का नाम लिखूं, कप्तान को ड्रॉप नहीं कर सकता उसके बाद दो नाम जो मैं लिखूं वो अश्विन और जडेजा जी, फिर मैं कहूंगा बाकी भर लो। अच्छा तो ये नेसेसिटी है आपकी, दो ये नेसेसिटी इसलिए, ये दोनों मैच विनर हैं, ये दोनों मैच विनर हैं और दोनों मैच सेवर हैं, मैच विनर है गेंद से और मैच सेवर है बल्ले से, क्योंकि जब मुसीबत में आएगी, जब विपरीत परिस्थितियां होंगी, जब यू विल हैव योर बैक अगेंस्ट द बॉल, देन दीस टू विल स्टैंड लाइक अ रॉक एंड प्रिवेंट यू, बल्ले से करके दिखाया है। और दोनों अश्विन उतने ही बड़े अजाइल ना हो फील्ड में, बहुत सेफ फील्डर है अश्विन, और विश्व के सबसे चीते फील्डर कौन है, रविंद्र जडेजा तो ये दो आपको रखने ही है, आपको रखने ही रखने हैं। जडेजा के फील्ड पे होने से 30% मेरा मानना है कि फील्डिंग बढ़ जाती है भारत की। उन्होंने कहा है कि कप्तान के बाद दोनों को डालेंगे, शायद आप पहले विराट कोहली का नाम भी बीच में डालेंगे, लेकिन द पॉइंट्स लेकिन द पॉइंट स्टैंड्स, मुझे लगता है जब कैप्टन टीम बना रहा होगा तो विराट कोहली लिख रहा होगा, विराट कोहली आप बोलो आप लेकिन द पॉइंट स्टैंड्स की दो स्पिनर 3 पेसर,
मैं बिल्कुल इनके साथ जाऊंगी क्योंकि वैरायटी लेके आते हैं और ये जानते हैं कि एक फ्लैट सरफेस पे कैसे बॉल डालना है. ठीक है, आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, आप इंडिया में नहीं खेल रहे, लेकिन हमेशा से ये स्पिन जोड़ी आपकी ताकत रही है. तो कहीं ना कहीं आप कई बार स्किल को हाई रेट करते हैं रादर देन कंडीशन को. कंडीशन अडेप्ट करेगा प्लेयर वो हमेशा अच्छा खिलाता है. कंडीशन अडेप्ट करना अश्विन भी जानते हैं, रविंद्र जडेजा भी जानते हैं, और फिर बॉलिंग ऑप्शन बढ़ती है, बैटिंग डेप्थ बढ़ती है. हमेशा डिस्कशन होती है जब भी अश्विन जडेजा के बारे में बात होती है. चाय की पत्ती के बिना चाय नहीं बना करती. चाय की पत्ती के बिना चाय नहीं बना करती. बॉलर चाहिए आपको, आपको 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज चाहिए. हमेशा जब भी अश्विन जडेजा की बात होती है उनके ओवरसीज रिकॉर्ड की बहुत ज्यादा बात होती है. और खासकर की एक नया ट्रेंड चल गया है सेना कंट्रीज का, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. एक नजर डालते हैं कि भारतीय गेंदबाजों ने क्या क्या किया है. एक बॉलिंग टॉस अप देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है ओवरसीज कंडीशंस में. तो शायद प्लेइंग 11 पे थोड़ी सी और जो है ना सहमति बन सके. अश्विन 23 मैचों में 66 विकेट, जडेजा 18 मैचों में 47 विकेट, यादव जो है 14 में 44, ठाकुर 7 में 27. वो लास्ट का आंकड़ा देखिए, अश्विन ने कभी भी 5 विकेट इनिंग्स नहीं ली है ओवरसीज क्रिकेट में जब भी सेना कंट्रीज में खेला है. जडेजा का साउथ अफ्रीका में एक 5 विकेट हॉल है. यहां पे एवरेज स्ट्राइक रेट पदम क्या लग रहा है निचोड़ के, अगर आपको क्या आपकी प्लेइंग 11 में चेंज हो सकता है इसको देखने के बाद? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. रविचंद्रन अश्विन को एक आंकड़े को देख के आप मत करो, उस खिलाड़ी ने कितने मैचेस आपको जिताए वो देखो. और बिल्कुल नहीं, रविचंद्रन अश्विन को आप मेरे को 50 आंकड़े और दिखा दो मैं थंबनेल ड्रॉप करूंगा. मेरा मैच विनर है भाई उसको. चलिए ठीक है, आप अश्विन को नहीं करेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दी शार्दुल ठाकुर एंड उमेश यादव? देखिए टॉसअप टॉसअप है और बिल्कुल, और ये एक लग्जरी है. लग्जरी है कि आप दो उन नामों की बात करें. हम बात कर रहे थे 2020 के साल की और किस तरीके से 36 पे आउट हुए, हम सिमट गए, लिपट गए, सब कुछ हो गया, हमने कमबैक किया. वहां पर कमबैक में सबसे बढ़िया स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? शार्दुल ठाकुर ने लिखी थी. वो भी मेरे जहन में था और मैं अभी भी टेम्प्टेड था कि शार्दुल या उमेश. कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि दो मेरे पास बैटिंग ऑल बॉलिंग ऑलराउंडर्स हो गए अश्विन और जडेजा, एक मैं प्योरेस्ट और फास्ट बॉलर डाल दूं, तो वहां हल्का सा झुकाव. और वो झुकाव 21-19 भी नहीं था, वो 20.5-19 वाला झुकाव है. तो शार्दुल को आप खिलाएंगे ऐसा नहीं है कि मेरा मूड खराब होने वाला, मेरा मूड उतना अच्छा रहने वाला, अच्छा रहने वाला, क्योंकि दोनों ये लग्जरी है. लग्जरी है कि टॉसअप हो रहा है कि उमेश या ये उमेश है. कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वो एक्स्ट्रा गति और लेकिन एक एडवांटेज है. वो बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही थी कि उमेश दोनों तरफ गेंद को नहीं लहरा सकते. और एक होती है, देखिए स्विंग और सीम में फर्क क्या होता है. स्विंग जो होती है वो हवा में होती है, सीम मूवमेंट जो है ना वहाँ शार्दुल की मास्टरी है. पड़के उनका जो अंदर आता है और पड़के जो छोड़ के बाहर जाता है तो वो तो है. तो मैं फिर भी हल्का सा टिंडी मिंडी सा मैं उमेश. और देखिए पदम ने तो कह दिया है कि नहीं वो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे अपनी प्लेइंग 11 को. रीमा के पास चलते हैं. रीमा, उस ग्राफिक को देखने के बाद, स्टैट्स को देखने के बाद, क्या आप अपनी टीम में कोई बदलाव करेंगे? क्या शार्दुल की जगह, क्या पदम ने आपको मना लिया है कि उमेश को लेना चाहिए? नहीं नहीं, मेरी टीम में शार्दुल हैं. वो इसलिए हैं क्योंकि वो और दो स्पिनर भी हैं, हाँ वो भी रहेंगे. अगर उमेश को खिलाते हैं तो सिर्फ मुझे लगता है कि एक ही कंडीशन पे आप खिला सकते हो, जब ओवरकास्ट कंडीशन, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के जरूर आराम से टीम बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैप्टन कोच या थिंक टैंक होगा वो जरूर नीचे के साथ साथ ऊपर भी देख रहा होगा कि सरफेस कैसी है और ऊपर आसमान कैसा है, क्या बारिश होने के चांसेस हैं, क्या ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, क्या पेसर ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि स्टैट्स बता रहे हैं. तो कई बार आप डिसीजन करंट सिचुएशन को भी देख के ले सकते हैं, तो हो सकता है वो बदलाव आपको देखने को मिले. बट अभी फिलहाल के लिए मैं दो स्पिनर के साथ जाऊँगा. ये ठीक कह रहे हैं, कई दफ़ा फतेह जो है फलक में छिपी होती है. और जो फतेह जो होती है ना फलक में, वो शार्दुल ठाकुर की है, क्योंकि उनका नाम है लॉर्ड ठाकुर. और एक बात ज़रूर कहूँगा मैं कि पिछले सीरीज में जब इंग्लैंड गई है भारत, वहां पे एक मुकाबला जरूर हुआ था जहां पे उन्होंने इतनी जबरदस्त हाफ सेंचुरी लगाई थी. मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं आपकी टीम में शार्दुल ठाकुर को घुसाने की, आपको लगेगा शायद ये, लेकिन डज दैट कन्विंस यू और नो दैट डजंट कन्विंस यू? मंजिल मिले ना मिले, मुकद्दर के मुकद्दर की बात है. आप कोशिश ना करो, ये गलत बात है. आप कोशिश करते रहो, कामयाब आप होने वाले हो. जैसे वो अटक हैं ऐसे मैं भी अटल हूं, और यही कन्विक्शन है. बिल्कुल यही कन्विक्शन है, क्योंकि आप जब कप्तान होते हैं, आप जब एक्सपर्ट होते हैं, आप जब कोच होते हैं, तो अगर आप एक सुदृढ़ धारणा के साथ नहीं जा सकते, तो अगर आप हल्का फुल्का डामाडोल होने से हिलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी सोच में मोच है, वो होना नहीं चाहिए. तो आई सैल्यूट रीमा बिकॉज शी इज एडमेंट, और मैं खुद पर भी थोड़ी पैट ऑन द बैक दूं. आप भी एडमेंट हैं. इसमें एक चीज हो रहा है ना कि पदम सर का मेरा सोचना ये नहीं है कि उमेश खराब है या वो कह रहे हैं शार्दुल खराब है, दोनों अच्छे हैं. बट मेरे एज अ क्रिकेटिंग क्रिकेटर जो मेरी क्रिकेटिंग सेंस कहती है वो क्यों मैं शार्दुल ठाकुर कैसे यूज करूंगी, इसलिए मैंने टीम में डाला. उन्होंने एज अ क्रिकेटर सोचा कि कैसे मैं उमेश यादव को यूज करूंगा, उन्होंने वो सोच के डाला. अब इम्पोर्टेंट तो ये है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा क्या सोचते हैं और कंडीशंस क्या कहती हैं. एग्जैक्टली, आपने कन्विक्शन की बात की. पहले दिन बादल नहीं है
और पिछले दिन बादल हैं, पिछले दिन जब बादल होंगे तो सबके दिमाग में उमेश घूम रहा होगा, उमेश घूम रहा होगा, उमेश, सुबह जब बादल अगर नहीं होंगे तो फिर हो सकता है उमेश करके शार्दुल आ जाए, तो ये बहुत सारा उस दिन सूर्य देवता कितने निकलते हैं, कंडीशंस पे बहुत मैटर करने वाला है टेस्ट मैच। लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने एक बात की है और वो वर्ड जो उन्होंने यूज किया है वो है कन्विक्शन का, तो यहाँ पे बात निकल कर आती है कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की कन्विक्शन क्या कहती है, और हमने खूब सारी बातें की है ना, तो एक नजर डालनी पड़ेगी कि शायद जो भारत का इंग्लैंड का दौरा था वो उनकी कुछ मदद करेगा, क्या वो कन्विक्शन देगा या नहीं। एक नजर डालते हैं कि भारत जब पिछली बार इंग्लैंड गया था तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कितने 5 टेस्ट मैच खेले थे, 4 खेले थे 2021 में और एक टेस्ट मैच 2022 में खेला था, नॉटिंगम में ड्रॉ हुआ था बारिश के कारण, लॉर्ड्स पर क्या जीत थी, क्या जीत थी, और वहां पर शमी की बैटिंग बुमराह की बैटिंग, लीड्स पर इंग्लैंड ने भारतीय टीम को हराया था, वहां पर ओवरहेड कंडीशंस की वजह से बैटिंग फेल हो गई थी, फिर चौथे टेस्ट मैच में भारत ने फिर से हराया, क्या जबरदस्त थी, और पांचवा टेस्ट मैच 2022 में, इसका कितना प्रभाव रहेगा इस भारतीय टीम पर कि इंग्लैंड गए 2-2 हुआ, रीमा ने पिछले एपिसोड में कहा कि दे लॉस्ट मोमेंटम, रीमा एंड देन पदम। अब मुझे लगता है आप पहले क्या होता, पिछले साल क्या होता उस पर ध्यान नहीं देंगे, नहीं आपके पास अब क्या रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो आपके पास आपके प्लेयर इंजर्ड नहीं थे, आपके केएल राहुल अवेलेबल था, श्रेयस अय्यर अवेलेबल था, कायदे से बुमराह अवेलेबल था, ऋषभ पंत थे, तो ये चारों जो कड़ी हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है, कोई इंजरी के कारण बाहर है, सो एक नई टीम है, एक नई सोच है, एक नया दिन है, एक नई कंडीशन है और नया ओपोनेंट है, चाहे इंग्लैंड में हो, तो कहीं ना कहीं आप इतनी पीछे जाते नहीं है, आप सोचते हैं आज मेरे पास क्या है और मैं उससे कैसे बेहतर करवा सकता हूँ। देखिए गलती होना प्रकृति, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति। तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि ये जो सीरीज आप दिखा रहे थे ये एकदम आईपीएल के बाद नहीं हुई थी, ब्रेक था। वो ब्रेक काम करता है, ठीक है। मैं एक आपको लेके चलता हूं 12 साल पहले 2011 में आईपीएल के तुरंत बाद सीरीज हुई थी इंग्लैंड में, उसमें कौन कौन दिग्गज थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण। आप जब आईपीएल से सीधा टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो आप गेंदबाजों पे प्रेशर नहीं है, उन पे नहीं है, उनको तो बढ़िया है और सीमिंग कंडीशंस मिलने वाले हो तो खुश होंगे, सीमिंग कंडीशंस में उन बल्लेबाजों को खेलना है जो फिलहाल पाटा विकेट पे T20 क्रिकेट खेल रहे थे, जहां पावर प्ले था, जहां दो खिलाड़ी बार हुआ करते, टकाटक सटासट चल रहा मामला। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, दिग्गज, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ इन द डेकेड, इन द लास्ट 30 इयर्स, भारत 4-0 से हारा था, 4-0 से हारा था। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये चीज इंपैक्ट करेगी, अगर ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, पुजारा तो अपना काम कर रहे हैं, वो अनुकूल हो गए परिस्थितियों से, तो ये चैलेंज है। अगर ये ओवर भारत, मैं तो चाह रहा हूँ बादल छा जाए, भारत टॉस जीत के पहले गेंदबाजी कर ले, तो वो इम्पैक्ट, वो बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, क्योंकि दोनों की बॉलिंग जो है ना अच्छी स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है, बड़े बड़े नाम उसमें नजर आ रहे हैं, फॉर्म नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट होने वाला है एक्चुअली में बैटिंग का, इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो अच्छी बैटिंग करेगा उसको एडवांटेज रहेगी, तो बैटिंग टेस्ट दोनों की होने वाली है, जो भी पहले बैटिंग करेगा चाहे वो इंडिया हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। यहाँ पे नजर डालेंगे हम कि भारतीय बल्लेबाजों ने 2021 में क्या, उन्होंने कहा ना कि बैटिंग पे बहुत ज्यादा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, अगर एक्सपर्ट अच्छे लगो तो शो अच्छा होता है। ये तो हमेशा होता ही है, और ये भी कंक्लूजन निकला है कि आपकी अगर बल्लेबाजी अच्छी होगी ना तो आप रन बनाएंगे ना तो शायद आप मैच जरूर जीत जाएंगे, खास करके इंग्लिश कंडीशंस में। नजर डालेंगे कि 2021 के इंग्लैंड की सीरीज में कौन से वो बल्लेबाज थे जिन्होंने रन बनाए थे भारत के लिए, तो ये देखिए ये है हमारे टॉप 5 बैट्समैन, पहले बैट्समैन पर नजर डालेंगे, गेंदबाज भी है यहां पर, रोहित शर्मा ने 4 मैच में 368 रन, ऋषभ पंत ये नाम इस पर चर्चा जरूर होगी, 5 मैच में 349 रन, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा, ये पांचवा नाम है ना ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए, ये इसलिए क्योंकि इसलिए नहीं कि जडेजा रन बना रहे हैं, इसलिए कि जडेजा को रन बनाने की जरूरत पड़ रही है। पदम, इस पर आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि बैट सोलो फिर भी वो इतने ज्यादा रन बना रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। देखिए ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि इसका मतलब शुरू वालों ने कुछ नहीं किया, दूसरी एक चीज बताऊं इस खिलाड़ी की ग्रेटनेस, इनकी ग्रेटनेस की कहानी ये है कि इनके जब भी आप रन देखेंगे ना तो वो रन मुसीबत में आते हैं जी, कुछ खिलाड़ी होते हैं जो तब रन बनाते हैं कि आप चेस कर रहे हो 260, 50 पे 5 हो गए, आपने 85 रन आपके बना दिए, आप 50 रन से मैच हार गए, उन रनों का कोई फायदा नहीं है जब आप पे प्रेशर नहीं है। जब प्रेशर आता है ना, प्रेशर में कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, प्रेशर में कोयला हीरा बनता है, प्रेशर में टायर बस्ट भी होता है, प्रेशर के साथ आप क्या करते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं जो प्रेशर में एक्सेल करते हैं,
ये रविंद्र जडेजा उनमें से, आप इनके रन उठा लीजिए, इनके रन मौज मस्ती में नहीं होंगे जी। कि चलो डिक्लेयर करना एक घंटे बाद जाओ आप भी थोड़े फैला लो, ये वहां आउट हो जाते हैं। जब मुसीबत की बात आती है वहां ये लंगर डालते हैं कि अब आ जाओ। रीमा, मुझे मालूम है आप विराट कोहली की कितनी बड़ी फैन है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल जरूर बनता है कि उस लिस्ट में विराट कोहली का नाम नहीं था। आपने ये भी कहा है कि विराट कोहली का फॉर्म इंग्लैंड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, वो इतने अच्छे माइंड स्पेस से जा रहे हैं इस समय, क्या लगता है आपको इस बार उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी और क्या एक वो सही मायने में उस टूर की याद भुला पाएगी? मौका है उनके पास, क्योंकि वो उस दर्जे के खिलाड़ी जिन्होंने स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट कर रखा है, तो उस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए आपको एक अच्छे हेडस्पेस में होना पड़ता है, एक अच्छे फॉर्म में होना पड़ता है, एक अच्छे रिदम में होना पड़ता है। अगर आप तीनों चीज़ देखेंगे विराट कोहली नजर आएंगे। फॉर्म उनके पास है, अच्छे हेडस्पेस में है, अच्छे माइंडसेट पे है, स्किल उनके पास है ही है, बस एक जो बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ते हैं यहाँ पे जिसमें आउट होते थे, अगर उसके बारे में ना सोच के सिर्फ ये सोचे कि मुझे क्या करना है और जो मैं करता आ रहा हूँ उसी पर ध्यान दूँ। फिलहाल फर्क सिर्फ इतना होगा कि वाइट बॉल में पीछे इतने फील्डर होते नहीं है, लेकिन रेड बॉल पर डेफिनेटली होंगे और मुझे लगता है यहाँ पे इस बार रन आएंगे। देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बाहर जाती हुई गेंद, मुझे अजय जडेजा का, अजय भाई का इंसिडेंट याद आता है। वो साउथ अफ्रीका में खेलने गए 92-93 की बात, हम छोटे छोटे हुआ करते, तो बाद में रणजी ट्रॉफी कैंप में उन्होंने बात हमें बताई। वो कहते हैं कि मैं साउथ अफ्रीका से आया तो टीम से वो निकल गए, संजय माजरेकर भी ड्रॉप हुए, तो कहते हैं कि मेरी मम्मी को भी पता था कि दिक्कत क्या थी। मेरी मम्मी कह रही मेरी किचन से रोटी लेके आई, मेरी प्लेट में रखी, कहते तू बाहर जाती गेंद को छेड़ता क्यों है। और ऐसी एडवाइस विराट कोहली को बहुत लोगों ने दी होगी, लेकिन जैसा हमने कहा ना कि वो ही इज इन सच अ नाइस माइंड स्पेस राइट नाउ, रन्स भी बन रहे हैं और उम्मीद यही रहेगी कि जाओ यार रन बनाओ, ट्रॉफी लेकर आओ। फैंस क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इस बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये ट्विटर पे क्या कहा जा रहा है विराट कोहली के बारे में, इस पर नजर डालते हैं। विजडन इंडिया का ये ट्वीट है, विराट कोहली इज द ओनली मेंबर ऑफ द करंट टीम जिनकी एवरेज है 30 के ऊपर 2010 से। तो वहां पे चलिए एम एस धोनी का नाम हटा देते हैं, लेकिन केएल राहुल वो इंजर्ड है, ऋषभ पंत वो इंजर्ड है, जडेजा लोअर ऑर्डर बैट्समैन हो गए। तो एक ही ऐसा खिलाड़ी है, चाहे आप रोहित का नाम ले लीजिए, पुजारा का नाम ले लीजिए, रहाणे का नाम ले लीजिए, शुभमन गिल तो स्टिल रिलेटिवली न्यू, तो ये दारोमदार फिर से रीमा और पदम विराट पर आएगा। ही इज योर मेन बैट्समैन। बिल्कुल, देखिए कोर है आपकी टीम, ये कोर विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, आप इन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, साथ में आप रहाणे पुजारा जोड़ी, जगह हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। लेकिन विराट कोहली के पास चाहे 2010 के बाद वो एवरेज नजर आ रही थी, बड़े स्कोर नजर नहीं आए, ऐसे नहीं कि वो खराब फॉर्म से जूझ रहे थे या उनको बॉल टच नहीं था, अच्छा खेलते खेलते हमेशा आउट होते थे। यहाँ पे बस उनको ये करना है कि अपने आप को शुरुआत दिलवाएं, उसको फिर कन्वर्ट करें। शुरुआत में अगर विराट कोहली आउट नहीं होते तो मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में आपको रन नजर आएंगे, बट वो शुरुआत में कुछ बॉलें बहुत क्रूशियल रहने वाली हैं। यहाँ पर एक खिलाड़ी का नाम जरूर लेना होगा और हमने पहले भी जब हमने स्टैटिस्टिक दिखाया था तो उसमें उनका नाम था और वो है ऋषभ पंत। हमने ब्रेक में जाने से पहले भी उनके बारे में चर्चा की, वी आर वेरी हैप्पी ही इज रिकवरिंग, ही इज होपफुली गोइंग टू कम बैक टू इंडियन क्रिकेट वेरी वेरी सून। लेकिन पदम बहुत मिस किया जाएगा उन्हें, हमने इंपैक्ट प्लेयर के बारे में बात की, हमने कीपर के बारे में बात की, हम बात भी करेंगे कि हमारे फैंस क्या कह रहे हैं ऋषभ पंत के बारे में। अनुज नितिन प्रभु का ये ट्वीट है, विनिंग द WTC फाइनल विदाउट दीज थ्री मैच विनर्स, यहां पे एक मैच विनर्स नहीं थ्री के बारे में बात हो रही है, कीपिंग माई एक्सपेक्टेशन लो बट बिलीविंग दैट विद हार्ड वर्क एनीथिंग इज पॉसिबल। ऋषभ पंत, बुमराह, राहुल, बुमराह के बारे में बात करेंगे लेकिन पंत और राहुल और सबसे ज्यादा पंत, पतम सबसे ज्यादा पंत, बहुत कमी खलेगी उनकी। जी हम उम्मीद करते हैं पंत का अभी नहीं हुआ अंत, वो वापस आएंगे। जी बिल्कुल। दूसरी चीज, मैं ये केएल राहुल के करियर के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वन फिट हो गए, वरना जिस फॉर्म में चल रहे थे ये अब उनका करियर लंबा हो जाएगा जी, क्योंकि इस दौरे पे आते मुझे नहीं लगता उनसे रन बनने थे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस हिसाब से वो लय चल रही थी तो ये उनके करियर के लिए अच्छा हो गया। तो यहाँ पे मैं केएल राहुल को मिस नहीं करूंगा, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इतिहास में अच्छा काम किया, करंट फॉर्म जो है वो उनके हित में नहीं जाती, और मैं करंट फॉर्म का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गेंद हिलेगा, यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौतियाँ आपके पास होंगी, यहाँ पर तेज़ गेंद और स्विंग के साथ अंदर आई बाहर होगी, तो बहुत बड़ा। बुमराह को हम मिस करेंगे, नो डाउट करेंगे, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बुमराह को लगातार हमने एक एक महीने उसकी बात नहीं की जी, और बुमराह की बात कब नहीं होती, जब आपके फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे जी। तो मैं तो चाहूँगा कि 5 दिन में बुमराह का जिक्र ही ना हो, सिराज शमी और हाँ वो हमें करने ना दे। लेकिन ऋषभ पंत जी देखिए मैच विनर, क्या खिलाड़ी, मतलब एक होता है कि जो मैच का रुख बदलने का मादा रखता हो, जो कि गेम चेंजर हो, जो कि मैच विनर हो, वो ऋषभ पंत है। रीमा, ऋषभ पंत और केएल राहुल के बारे में आपकी टिप्पणी। केएल राहुल मैं मानती हूँ इस बात को, फॉर्म में नहीं है तो कहीं ना कहीं शायद उनके लिए ये ब्रेक अच्छा साबित होगा, किसी सही कारण की वजह से बाहर नहीं हुए वो
निराशाजनक बात है, लेकिन एक ब्रेक उनके लिए बहुत ज़रूरी था, शायद वो उस इंजरी के रूप में आया। लेकिन यस, ऋषभ पंत को डेफिनेटली इंडिया मिस करेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को ढाला था, वो एक मैच विनिंग नॉक नहीं खेलते थे, बल्कि बिहाइंड द स्टम्प्स भी वो एंगेज रखते थे, एक माहौल बना के रखते थे, एक एनर्जी बना के रखते थे, जो एक कीपर को कहते हैं बैकबोन ऑफ द टीम होता है। वहाँ पर ऋषभ पंत की एब्सेंस जरूर मिस करेंगे। और एक बार फिर से हम नज़र डालेंगे उस स्टैटिस्टिक पर, देखेंगे कि बॉलर्स ने क्या किया था। अभी तक हमने बल्लेबाजों के बारे में बात की, चलिए अब नज़र डालते हैं बॉलर्स की, क्योंकि यहाँ पे बुमराह को मिस करना बहुत ज़रूरी है। जसप्रीत बुमराह 5 मैचों में उन्होंने 23 विकेट निकाले थे, केवल बल्ले से रन ही नहीं बनाए थे उन्होंने शमी के साथ, उन्होंने 23 विकेट भी निकाले थे। सिराज, उनका वो ग्रोइंग कर्व था, 5 मैच में 18 विकेट, शमी 4 मैच में 13 विकेट, शार्दुल ठाकुर 3 मैच में उन्होंने 8 विकेट लिए थे, 1 मैच में 6 विकेट लिए थे उमेश यादव ने, तो यहाँ पर केस बनता है उनका इस फाइनल को खेलने के लिए। और रविंद्र जडेजा ने, ये भी एक टॉपिक है, 5 मैच में 6 विकेट लिए थे, और ये मैं आपको जरूर बता दूं, उन 5 मैच में अश्विन नहीं खेले थे। पदम, सबसे पहले आप अश्विन के बारे में बहुत बोल चुके हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा क्योंकि वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे आपकी टीम में। बुमराह, वी आर गोइंग टू मिस हिम, फॉर श्योर वी आर गोइंग टू मिस हिम, और वहां पे सिराज और शमी को स्टेप अप करना पड़ेगा, जो आप कह रहे थे कि अगर हम बुमराह के बारे में ना बात करें ना उनको मिस करें तो बेहतर है। माफी चाहूंगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाल ही फॉर्म देखें, शमी की देखें और सिराज की देखें, दोनों मैच विनर्स हैं। जी बिल्कुल, दोनों मैच विनर्स हैं, और ये उनके लिए मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए कि बुमराह नहीं है तो टीम गुमराह ना हो जाए, हमें बिल्कुल अपनी काबिलियत पर भरोसा रखे गेंदबाजी, और दोनों में वो है, वो दोनों बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि तड़प रहे होंगे कि जल्दी से शुरू कर दो, नया गेंद दे दो, दिखाओ हमें कोई इंग्लैंड वाला। और एक तो इनमें से शांत है, एक पंगेबाज है, पंगेबाज को ना सिराज, आप हमेशा उस लड़ाई की बात करते ना, वो आरसीबी वर्सेस लखनऊ, वो सही मायने में शुरू सिराज की थी, चले लोगों ने बात नहीं करी, शुरू ये कुबद्दी है। उस डायरेक्शन में जाएंगे नहीं, यहां पर चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका डीडी स्पोर्ट्स पर, आप देख रहे हैं रोड टू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 में, और ये है हमारी स्पेशल प्रस्तुति। मैं हूं चेतन नरूला, मेरे साथ दो खास मेहमान रीमा मल्होत्रा और पदमजीत सहरावत। और जाने से पहले ब्रेक में हम बात कर रहे थे गेंदबाजों के बारे में, बुमराह को बहुत मिस कर रहे हैं पदम, उम्मीद यही कर रहे हैं कि सिराज और शमी जो हैं वो स्टेप अप करेंगे। तो सिराज की अगर हम बात करें, और दोनों जो हमारे एक्सपर्ट हैं ना आईपीएल में कॉमेंट्री करके आ रहे हैं, आरसीबी कुछ किया नहीं उन्होंने, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि आरसीबी का अगर इस साल एक पॉजिटिव था तो वो मोहम्मद सिराज था। रीमा और फिर पदम। नहीं, मेरे हिसाब से ज्यादा पॉजिटिव, चलिए पहले आप सिराज की नजर आ रही, लेकिन यस, सिराज एक सबसे बड़ा पॉजिटिव जो आप उस टीम से निकाल सकते हैं, उनकी बोलिंग, उनका एटीट्यूड और उनका पावर प्ले में विकेट लेना। न्यू बॉल से अगर आप विकेट लेते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट विकेट हो, आप हमेशा अपने टीम के लिए एक एसेट होते हैं। तो वहाँ पे मोहम्मद सिराज को मैं थोड़ा हाई रेट करती हूँ, और इसीलिए अगर मोहम्मद शमी के बाद किसी का नाम आता है वो सिराज का आता है। अगर बुमराह की जगह हम कहेंगे कि कोई ले सकता है या उनकी भरपाई कर सकता है क्योंकि वो इंजरी के कारण बाहर है, तो वो मोहम्मद सिराज है करंट फॉर्म को देखते हुए। पदम, आपने बात की थी सिराज के बारे में कि वो फायर है, वो जज्बा है, वो विराट कोहली से शायद वो सीखते हैं, और इतना सीखते हैं कि उनको लगता है कि मैं हर बॉल पर विकेट ले लूं, और वो DRS के रिव्यूज भी वहां पे खर्च हो जाते हैं। ये जज्बा थोड़ा सा कंट्रोल में, यही अच्छी बात। देखिए, बॉलर के लिए IPL आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं, खासतौर पर जब आप फास्ट बॉलर हो। देखिए, वो पाटा विकेट, वो नो बॉल पे फ्री हिट जी, हाँ, वो आग उगलता बल्ला, वो तलवार सा बल्ला, रोज मचा हल्ला वहां पे। इस खिलाड़ी ने, रीमा ने विकेट लेने की बात की, मैं कहता हूँ चलो पावर प्ले में विकेट पे ना भी देखो, आप 4.5-4.25 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाज डाल गया पावर प्ले में, मतलब हैट्स ऑफ। वो सिराज जो उससे पिछले सीजन में 9.5-10 ऐसे जाता था सडनली, और वो कैसे हुआ, सिर्फ एक चीज उन्होंने सुधारी और वो है टप्पा। बाकी एक्सपेरिमेंट करते रहे, स्लोअर वन डालते रहे, चेंज ऑफ पेस करते रहे, नई बॉल से भी उन्होंने कहा ना, मैं आऊंगा और मैं 3/4 लेंथ रखूंगा। 3/4 लेंथ वो लेंथ होती है जहां बल्लेबाजी सोचने मजबूर जाते कि मैं आगे जाऊं या मैं पीछे आऊं, और वहां से
लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी होता था, उनको परेशानी नहीं होती थी, उनका अंटा वहीं हिलता था। तो वो जो डिसिप्लिन है, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने रीमा एक रुपए का सिक्का रखा होगा नेट्स में और वहीं पे गेंदबाजी डाली, जैसे यॉर्कर, जैसे यॉर्कर शू रख के यॉर्कर करते हैं यहाँ पे स्पॉट, और वो टप्पा रख के कि मुझे रुपए पे फेंकना, वो और ये मेहनत से आता है। हम पदम को तो कन्विंस नहीं कर सकते कि अश्विन को टीम से हटाओ, और हटाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप उस आंकड़े को देख के कन्विंस हुई है कि वो गलत हुआ था कि पांचों टेस्ट मैच में अश्विन नहीं खेले थे? मेरे हिसाब से खेलना बनता था उनके पास, कई बार आप कंडीशंस के हिसाब से 11 बनाते हैं या राइट, बट एट टाइम्स आपको ये भी देखना है कि कौन आपका मैच विनर है, कौन प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकता है या कौन सामने वाली टीम के दिमाग से खेल सकता है। सो वहाँ पे आप रविचंद्र अश्विन को हमेशा इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल तो है, लेकिन सामने वाले की स्किल के साथ खेलने की जो कला है ना, जो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर रहते हैं, वो है अश्विन। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अश्विन को टीम में होना चाहिए, और जब भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके फाइफर चाहिए या फोफर चाहिए, कई बार वो आपको एक ऐसी विकेट दे जाएंगे जो मैच का रुख बदल सकता है। स्टीव स्मिथ अच्छी फॉर्म में है, उनके पास वो कला है कि सेट बैटर को आउट कर सकते हैं, अगर वो भी आपको एक विकेट उसकी दिलवा जाते हैं तो फाइफर के जैसे ही ना, क्योंकि वो मैच का रुख बदल देती है। यहाँ पर गेंदबाजी पर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आप दोनों से, और हमने वो स्टेटिस्टिक देखा था कि पांच मैचों में केवल 6 विकेट लिए थे रविंद्र जडेजा ने, विच इज नॉट अ गुड आउटपुट, उनको ज्यादा बॉलिंग भी नहीं मिली थी उस सीरीज में। तो अगर कहीं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा एक स्पिनर का सोच रहे हैं तो हम वो किस स्पिनर के साथ जाएंगे? जडेजा, क्या वो, सवाल ये नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं या नहीं, क्या वो ओवरसीज कंडीशंस में लोन स्पिनर की भूमिका निभा सकते हैं? पदम और फिर रीमा जी, मुझे अगर दोनों में से एक चुनना हो तो मैं अश्विन के साथ जी, वो तो हम साबित कर चुके हैं आज। और एक मैं थोड़े इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक बार ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा था, अनिल कुंबले साहब कप्तान जी, तो ईशान ने ओवर डाला और उनको हटाने वाले थे अनिल कुंबले, अश्विन ने कहा कि आप इनको ना एक और दे दो, ऐसे ही उनका मन में आया, जहन में आया, उनके कान में डाल दी, वो नहीं दे रहे थे ओवर, तो उन्होंने यूं देखा उनकी तरफ और उन्होंने कहा चले एक और ले। रिकी पॉन्टिंग फर्स्ट बॉल कॉट दिया। कई बार ये खिलाड़ी इन्वॉल्व रहता है, जो इन्वॉल्व रहने वाले खिलाड़ी होते हैं ना, हमेशा उनका दिमाग चलता रहता है, तो इनका दिमाग चलता रहता है, विकेट कहाँ से आए। तो इनका ये नहीं है कि अगर ये गेंदबाजी नहीं कर रहे, बल्लेबाजी नहीं कर रहे तो ये स्विच ऑफ होकर बैठ गए, तो ये टीम मैन है ये खिलाड़ी, तो मैं इसको हमेशा मेरी लिस्ट में तो हमेशा रहेगा। और टॉसअप बड़ा मुश्किल है, रविंद्र जडेजा भी मैच विनर है, ये भी मैच विनर है, आप चिंता मत करो वहां तक नौबत आएगी नहीं, दोनों खिलाएंगे। रीमा, नौबत नहीं आएगी, लेकिन नौबत आएगी नहीं, लेकिन अगर वही मैंने कहा ना कि सवाल ये नहीं है कि नौबत आएगी या नहीं आएगी, सवाल ये है कि क्या जडेजा एज अ लोन स्पिनर ऑपरेट कर सकते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि वो आंकड़े वो नहीं दिखा रहे हैं। देखिए वो आंकड़े दिखा नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं रविंद्र जडेजा के साथ जाऊंगी, क्योंकि एज अ लोन स्पिनर, यस, क्योंकि अगर विकेट से मदद नहीं भी मिल रही तो बाकी दो डिपार्टमेंट है वो कवर करते हैं, लेकिन स्टंप्स पे अटैक करना उनकी ताकत है, तो कहीं ना कहीं आप बैटर को बार बार खिलाते हैं, कभी कभी उनका बॉल स्किट कर जाता है, कभी कभी बॉल उनका हल्का सा टर्न कर जाता है, तो रविंद्र जडेजा को बहुत ज़्यादा स्कोर ऑफ द टर्न की जरूरत नहीं है, स्टम्प टू स्टम्प डालेंगे, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे, अपनी फॉर्म उनके पास है, और मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा तीनों डिपार्टमेंट में मोर देन 100% देते हैं। सो यहाँ पे मैं खिलाना चाहती हूँ अश्विन को, मैं खिलाऊंगी भी, लेकिन अगर अश्विन की एक स्पिनर खिलाना है तो मैं जडेजा के साथ जाऊँगी। मैं मेरा हल्का सा रुझान अश्विन की तरफ क्यों है, उसका एक और कारण जी, ओपनिंग करने आएंगे डेविड वार्नर लेफ्टी, उस्मान ख्वाजा लेफ्टी, ट्रेविस हेड लेफ्टी, फिर बाद में मिचेल स्टार्क भी है, सिर्फ एक लिफ्ट हैंडर के एंगल उस एंगल से भी वो फर्क डाल सकती है, वो फर्क डाल सकती है। तो यहाँ पर हमने काफी सारी जुझारू बातें की हैं कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है, क्या गेंदबाजी में बदलाव उतार चढ़ाव हो सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ लिया है। रीमा कह रही है कि अगर एक स्पिनर होगा तो वो जडेजा को लेंगी, अश्विन को नहीं लेंगी। यहाँ पे चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, नजर डालेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहा है, हम वी आर क्लोज टू द फिनिश, वी आर वेरी क्लोज टू द फाइनल, तो बात करते हैं ना कि किसका पड़ला भारी है, नजर डालते हैं इन दोनों टीमों के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर 106 मैचों में भारत ने 32 मैच जीते हैं, केवल हम टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं, 44 मैच ऑस्ट्रेलिया के, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2017 से भारत ने नहीं हारी है, और अगर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें 2021 और 23 में तो 8 मैचों में अगेन भारत का पड़ला भारी है, 4 मैच जीते हैं। एक ही सवाल बनता है यहाँ पर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वहां पर, पदम आपके पास आऊंगा मैं, वहां पर जो पिचेस बनी थी उसके हिसाब से 4-0 बनता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीता, वो 2-1 से हारे वो मुकाबले, लेकिन एक मैच उन्होंने जीता, एक मैच ड्रॉ किया, कितना बड़ा उनका मनोबल बढ़ा होगा उससे कि उन्होंने ये सीरीज ऐसे खत्म की।
और देखिए सबसे बड़ा मनोबल तो इस बात पे बढ़ा हुआ कि वो कहेंगे टेबल टॉपर्स तो हम हैं जी, टेबल टॉपर्स हम हैं। 12 की आप 17 से अगर देखें तो इंडिया ने उनको जीतने नहीं दिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, पर यहाँ पे जैसे मैंने कहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीतने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने टेस्ट मैच नहीं जीतने दिया। टेस्ट मैच उन्होंने हमारी मिट्टी विकेट पे आके हमें हम उनके लिए गड्ढा खोद रहे थे, हम खुद गिर गए। 36 ऑल आउट वाला भी शामिल, 36 ऑल आउट सब कुछ शामिल है उसमें। तो कहीं ना कहीं मैं अभी मानूंगा कि यार देखिए दिल तो हिंदुस्तानी, वो तो दिल तो चाहता है लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं कहता है और कई चीज़ों को मिलाकर कहता है कि हल्का सा एडवांटेज है। अगर इंडिया टॉस जीत गया और सवेरे बादल है तो इंडिया, अगर ऐसा नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया। रीमा आपके पास आऊँगा, कहाँ किसका पड़ला भारी है? ये जो आंकड़े हैं मैटर करते हैं इतने बड़े मुकाबले में जो अभी हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, पिचेस डिफरेंट थी लेकिन खिलाड़ी तो वही थे, क्या मैटर करता है? देखिए डिफरेंट कंडीशन है, कहीं ना कहीं हाँ आप सोचते हैं कि हमने इनको घर पे हरा के आए हैं या कई बार सोचते हैं हमने इनको सीरीज जीती है या हमको हमारे आंकड़े थोड़े टाइम से बेटर हैं इनसे, लेकिन उस दिन कौन अच्छा खेलता है और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच में होता है टॉस, क्योंकि जैसे कि पदम सर ने पहले भी कहा था कि यहाँ पे टेस्ट मैच में आपको वापसी का मौका मिलता है लेकिन शुरुआत हमेशा इंपॉर्टेंट होती है कि पहला सेशन कैसे जाता है, पहला घंटा कैसे जाता है, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहला घंटा और पहला प्यार आप कभी नहीं भूलते क्योंकि उसमें मैच की टोन सेट होती है, मेरा तो ये मानना है वहां पर टोन सेट होनी चाहिए। और पहला घंटा का पहला रीमा का और मेरा पहला प्यार एक ही है, क्रिकेट वहां पे मैं भी यही बैठा हूं क्रिकेट जिंदगी की टोन सेट है, तो पहला मेरा भी है मैं भी यही बैठा हूं, क्रिकेट ही है पहला प्यार और पहला घंटा हमें याद रखना है। इंडियन टीम सुन लो, हमें पहला घंटा याद रखना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का, ऐसा खेलना। यहाँ पे एक बात जरूर करूंगा मैं, देखिए जब फाइनल होता है ना ऐसे मुकाबले होते हैं इंडियन फैंस की भरमार हो जाती है और इंडियन फैंस होंगे ओवल में तो अच्छा सपोर्ट रहेगा, लेकिन इंग्लिश फैंस भी आएंगे देखने मैच, वहां पे वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट नहीं करने वाले। मैं तो चाह रहा हूँ विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने आए और चले वहां से तो मैं तो कह रहा हूँ क्राउड हूटिंग कर दे, इंग्लैंड के दर्शक हूटिंग कर दे उनकी, मैं तो चाह रहा हूँ जब अंदर जाए कोई ऑस्ट्रेलियन गाली दे दे उनको, वो दैट एक्चुअली ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम, या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ही दे दे कुछ, दे दे बिल्कुल दे दे तो फिर वो गलती नहीं करेंगे। हाँ क्योंकि मैं एक छोटा इंसिडेंट बताता हूँ आपको, जावेद मियादा साहब जी बिल्कुल, तो एक बार न्यूजीलैंड वालों ने प्लानिंग करी कि ये वो क्या करते थे बैटिंग करते थे सिली पॉइंट वाले से बात, विकेट कीपर से बात, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो आप इनसे बात करना बंद कर दो, इनसे बात ही मत करो, तो उन्होंने कहा कि बात करना बंद कर दो, तो बात करना बंद कर दी, तो फिर उनको ऐसा लगने लगा कि भाई अब जावेद मियादाद साहब आउट हो जाएंगे। जावेद मियादाद साहब शाम को 215 ऑल आउट। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बड़ा खिलाड़ी ग्रेट खिलाड़ी मोटिवेशन कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता। ऑस्ट्रेलिया कहाँ से ढूंढेगी मोटिवेशन जब भारतीय फैंस होंगे, इंग्लिश फैंस होंगे, ऑस्ट्रेलियन टीम की मोटिवेशन कहाँ से आने वाली है? एशेज आ रहा है आगे, क्या वो उनको मोटिवेट करेगा? बिल्कुल, वो चाहेंगे कि इंग्लैंड में, इंग्लैंड को तो हराना है लेकिन उससे पहले इंग्लैंड में भारत को हराएं, और जीत आपको हमेशा आगे लेके जाती है, आपका मोमेंटम कैरी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप टीम की नज़र डालेंगे बैलेंस टीम नज़र आती है, बैटिंग डेप्थ नज़र आती है, नंबर 10 तक इनके पास बैटिंग है, बॉलिंग में वेरिएशन है, इनके पास स्टीव स्मिथ है जिन्होंने जिनकी कैप्टनसी के अंडर इंडिया में मैच जीते थे और जिन जो अच्छी फॉर्म से भी जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैट कमिंस का वो लीडरशिप और स्टीव स्मिथ का वो एक्सपीरियंस, डेविड वार्नर ने बोला है कि शायद उनका आखिरी हो, तो कहीं ना कहीं आप जीत के साथ खत्म करना चाहते, तो इनके पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाहेंगे कि जीत के साथ खत्म करें। यहाँ पर एक नजर डालेंगे हम भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने 23 की WTC साइकिल में क्या किया है, कौन रहेंगे टॉप परफॉर्मर्स, कौन हो सकते हैं टॉप परफॉर्मर्स, ऋषभ पंत नहीं है, बुमराह नहीं है, कौन अपना हाथ आगे खड़ा करेगा? हमें मालूम है कि रीमा का जवाब होने वाला है कि वो विराट कोहली की ही बहुत बड़ी सपोर्टर है, वहीं से रन है, लेकिन एक नाम जो है आगे बढ़ चढ़ कर आ रहा है वो है शुभमन गिल का भी। तो जब तक ग्राफिक आएगा स्क्रीन पर पदम, शुभमन के बारे में भी बात हो जाए, रीमा शुभमन के बारे में बात हो जाए, क्या कहेंगे? शुभमन इतना जबरदस्त फॉर्म लेके जा रहे हैं इस फाइनल में। सबसे अच्छी बात यह कि खिलाड़ी कोई भी फॉर्मेट हो, मतलब इनकी इनकी शैली वही रहती है, ज्यादा बदलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि T20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा ये वाला अतरंगी पटरंगी शॉट खेलते हैं ना, वही कवर्स के ऊपर से, वही सीधा, वही ऑन ड्राइव, वही फ्लेक, वही लॉफ्टेड शॉट, छोटे गेंद को कट, मेरिट पे खेलना है खिलाड़ी जानता है। और सबसे ज़्यादा मोहब्बत इनको किस बात से? सबसे ज़्यादा मोहब्बत इनको है टेस्ट क्रिकेट से, और अच्छी फॉर्म में वहाँ पर जा रहे हैं। बस मैं चाह रहा हूँ कि जैसा कि रीमा कह रहे थे और हम पहले भी कह रहे थे कि बाहर जाती गेंद को आप ना छेड़ें, थोड़ी सुनील गावस्कर साहब ने बिल्कुल डिक्शनरी बता दी, उन बल्लेबाजी की पाठशाला में उनको कहता हूँ, उन्होंने बता दिया कि अगर आपको गेंद छोड़नी आती है, आपको पता है व्हाट नॉट टू प्ले, देन यू ऑटोमेटिकली नो व्हाट टू प्ले, तो आप छोड़िए, एक घंटा दीजिए गेंदबाजों को, उसके बाद पूरा दिन आप।
यहाँ पे नजर डालते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज ऑन द इन द WTC 2023 साइकिल. कौन से बल्लेबाज और कौन से गेंदबाज रहे थे जो भारत के, जिन्होंने अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी है. यहाँ पर देखिए चेतेश्वर पुजारा की सबसे ज्यादा रन है, काउंटी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं विराट कोहली, लेकिन किसी ने 1000 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है. ऋषभ पंत जो है बहुत बड़ी मिस रहेंगे. अश्विन 61 विकेटें, पदम ने तो फिक्स कर लिया कि मैच ही अश्विन जिताएंगे. जडेजा वो भी खेलेंगे, दो स्पिनर और शमी सिराज. अक्षर पटेल शायद नहीं दिखाई देंगे यहां पर. रीमा और पदम, एक अगर खिलाड़ी आपको चूज करना हो 11 में से, आपने 11 बता दी, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बता दी, एक खिलाड़ी जो स्टैंड आउट प्लेयर रह सकता है, जो कमियां भर सकता है, बुमराह की कमी हो गई, राहुल की कमी हो गई, पंत की कमी हो गई. मैं एक सवाल एक सवाल पूछ सकता हूं इससे. आप इमेजिन करो राहुल फिट होते जी और आप उनसे कीपिंग नहीं करा रहे, टेस्ट मैच में तो नहीं कराते, कीपिंग नहीं कराते, नहीं कराते, टीम में कहां जगह बनाते आप उनकी, बताओ कहां खिलाते. नहीं जगह बनती, नहीं जगह, शायद फॉर्म पे, इस फॉर्म पे शायद जगह नहीं बनती, क्योंकि रहाणे को ड्रॉप नहीं कर सकते आप. अगर आप रहाणे को ड्रॉप नहीं कर सकते तो आप किसकी जगह उनको खिलाते. तो राहुल का तो शॉर्ट आउट हो गया कि राहुल तो होते भी तो टीम में नहीं होते जी. ठीक है, क्योंकि आपका रोहित शुभमन, विराट, पुजारा, रहाणे और फिर उसके बाद सॉर्टेड जडेजा, भरत, केएस भरत, केएस भरत, ईशान किशन बोलने वाले थे लेकिन ईशान किशन मेरे भरत, मेरे नहीं भारत के ईशान किशन, केएस भरत, जडेजा, अश्विन, ये उनकी बैटिंग लाइनअप है. आप बताइए, उन्होंने तो बता दिया कि पूरी उन सबको दारोमदार दिखाना पड़ेगा. कोई एक ऐसा खिलाड़ी आपके जहन में कि ये खिलाड़ी मेरा, अगर एक मैं बताऊं, जडेजा, जडेजा, जडेजा कह रहे हैं पदम, आप क्या कहेंगे. टेस्ट मैच की अगर बात करेंगे तो आप किस पे सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं अपने बेस्ट बैटर पे, और इस फॉर्मेट के बेस्ट बैटर मेरे हिसाब से चेतेश्वर पुजारा हैं. और इंग्लैंड में आपकी बैटिंग टेस्ट होने वाली ये तो तय है, आपके बॉलिंग सेट है, बॉलिंग यूनिट सेट है कि आप शमी और सिराज के जा रहे हैं, लेकिन बैटिंग में जैसे कि आप बता भी रहे थे कि 1000 के आसपास भी किसी के रन नहीं है, 800 के आसपास है, 1000 किसी ने क्रॉस नहीं किया, 1000 तक भी नहीं पहुंचे, तो वहां पे आपका टेस्ट होगा बैटिंग में. और वहां पे आपका नंबर 3 बैटर है चेतेश्वर पुजारा. नंबर 3 बैटर आपका हमेशा बेस्ट बैटर ऑफ द टीम होता है, और रेड बॉल क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा अगर टिक गए एक एंड से तो उनके इर्द गिर्द बाकी सब खेल सकते हैं. जाने से पहले एक ही सवाल बाकी रह जाएगा, प्रेडिक्शन टाइम कहते हैं इसे, वन वर्ड आंसर, पदम और रीमा, कौन जीतेगा पदम ये मुकाबला. देखिए दिल तो हिंदुस्तान कह रहा है और कहना भी चाहिए, दिमाग कह रहा ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. रीमा, इंडिया. 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 रीमा हमेशा इंडिया ही कहेगी. आपने वन वर्ड बोला, मैंने इंडिया बोला, वन वर्ड दिया. तो ये था हमारा शो, द स्पेशल प्रेजेंटेशन, द रोड टू WTC फाइनल 2023. हम अपने एक्सपर्ट्स का धन्यवाद देना चाहेंगे. सबसे पहले पदमजीत सहरावत, फॉर्मर क्रिकेटर एंड कमेंटेटर एंड सिंगर एंड कंपोजर, थैंक यू सो मच पैडी. थैंक यू सर. और साथ ही साथ फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर और कमेंटेटर रीमा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद रीमा. थैंक यू. मैं हूं चेतन नरूला, लूंगा आपसे इजाजत, बट भूलिएगा मत DD स्पोर्ट्स पर आपको मिलेगा प्रसारण इस WTC फाइनल का. कल से जुड़िएगा हमारे साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार.